मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में आपने श्री दयाशंकर तिवारी सर का पहला पार्ट देखा, आइए देखते हैं इस इंटरव्यू का दूसरा पार्ट। सर, इस कोरोना काल में आपने नागपुर महानगर पालिका में अभी तक का सबसे लंबा संबोधनीय भाषण आपने दिया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा, कृपया इसके बारे में थोड़ा उस बारे में ना पूछे तो ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि बाकी जो बातें मैंने की वो मेरी उपलब्धि है। यह भी है तो उपलब्धि, लेकिन किसी व्यक्ति के विरोध में 7 घंटे बोलना यह कोई अच्छी बात नहीं होती, और ऐसे व्यक्ति के विरोध में 7 घंटे बोलना जो नागपुर शहर का सुरक्षा प्रहरी बन करके बैठा हो। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि अंग्रेज़ों ने 1857 में एक कानून बनाया था और हिंदुस्तानियों पर शासन करने के लिए उन्होंने कानून बनाते समय सारे के सारे अधिकार म्युनिसिपल कमिश्नर के हाथ में समाविष्ट कर दिए थे, कारण उस पर अंग्रेज अधिकारी ही बैठ रहा था। अंग्रेजों ने कानून बनाते समय यह ध्यान में ही रखा था कि वे शासक हैं और जनता उनके गुलाम है, और कानून में वे सारे के सारे अधिकार केवल और केवल म्युनिसिपल कमिश्नर को दिए थे। 1857 के बाद आज तक उस कानून में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं हुआ, और अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था उसी कानून को हम लोग आज तक घोरते चले आ रहे हैं। इसलिए नागपुर महानगर पालिका के संपूर्ण बागडोर माननीय निगम आयुक्त तुकाराम जी मुंडे के पास थे। हम सारे के सारे नगर सेवक एक कर्तव्यनिष्ठ कर्तव्य दक्ष अधिकारी काम कर रहा है यह सोच करके वे पूरे शहर में काम करेंगे, हम हमारी बस्तियों में काम करेंगे इस दृष्टि से कार्यरत थे। सभी नगर सेवक अपने बस्तियों में गली गली जाकर के सैनिटाइज करा रहे थे। महानगर पालिका के सैनिटाइजेशन की व्यवस्था ठीक नहीं थी और महानगर पालिका की तरफ से सैनिटाइज करने का कोई रोड मैप भी नहीं था, इसलिए प्रत्येक नगर सेवक को अपनी स्वयं की आर्थिक स्थिति के अनुसार स्वयं की व्यवस्था बना करके और स्वयं की यंत्रणा से अपने अपने इलाके को सैनिटाइज करता। मैं भी प्रतिदिन सुबह 6 बजे सैनिटाइज करने निकलता हूँ। चलो गाड़ी चालू करो, सैनिटाइज कर दो। दोपहर को 12 बजे 1000 लोगों के भोजन की व्यवस्था होती थी, कारण जो निराधार लोग हैं उनको भोजन देना नितांत आवश्यक के कारण भूखे नहीं रह सकते, मुंडे जी तो उनके घर भोजन देने आते नहीं थे। दोपहर 12 बजे से भोजन, शाम 5 बजे से फिर सैनिटाइज करने की शुरुआत हो जाती थी, शाम 7 बजे फिर 1000 लोगों को भोजन देना पड़ता था। केवल इतना ही नहीं, उसके पश्चात रात्रि में फिर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर के बड़े रास्तों के ऊपर को बड़े रास्ते पर उपलब्ध सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान और घरों को सैनिटाइज करना एक चक्र बन गया था। सुबह 6 बजे से शुरुआत होता था, रात को कभी 11, कभी 12, कभी 1 बजे तक के सैनिटाइज करते रहे हम सारे लोग।
करने के लिए अपने अपने इलाके में या सारे के सारे लोग काम कर रहे थे, और यह सारा काम महानगर पालिका के निधि से नहीं हो रहा था, ये नगर सेवक अपने संसाधनों के माध्यम से यह सारे के सारे कार्य कर रहे थे। हाँ, जहाँ तक मेरी बात है, मैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी शाम को बुला लेता था, इसलिए वो महानगर पालिका का संसाधन था, उसके माध्यम से मैं कार्य करता था। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितनी गाड़ी, पूरे शहर में 2 गाड़ियाँ, वो कहाँ कहाँ जाए। इस दृष्टि से सारे नगर सेवकों ने अपने आर्थिक संसाधनों से खड़े करके इलाके को सैनिटाइज किया, लोगों के घर में भोजन पहुँचाया, लोगों के घर में राशन के किट पहुँचाई, और ये सारी की सारी व्यवस्था उन्होंने स्वयं जनता से, कुछ लोगों ने कलेक्शन करके, कुछ लोगों ने स्वयं की निधि से यह व्यवस्था उपलब्ध करा करके, जो व्यक्ति लगातार 3 महीने तक अपने काम धंधे व्यवसाय बंद करके घर की 4 दीवारी में कैदता, उस तक भोजन पहुँचाने का काम, राशन पहुँचाने का काम किया, और एक पथ्य का पालन किया कि किसी की तकलीफ की हमने हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, इसलिए हम इसको कहीं सोशल मीडिया पर नहीं डालेंगे, इसलिए कहीं सोशल मीडिया पर नहीं डाला। एक शांत कार्यकर्ता की तरह, एक साइलेंट वर्कर की तरह सब काम करते रहे, और काम की दिशा कोरोना से लड़ना, कोरोना के से लड़ना, इतना ही नहीं, हॉस्पिटलों में जाकर के नर्सों के लिए, वहाँ के काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए नाश्ते की व्यवस्था हमारी संस्था ने करी, सुबह 8 बजे IGMC के सारे कर्मचारियों के लिए नाश्ता पहुँचाने की व्यवस्था हमारी लोटस क्लब के माध्यम से किया जाता था, जो लोटस क्लब के माध्यम से मैंने उन्हें निर्देश दिया था कि भाई कम से कम डॉक्टरों के लिए, वहाँ के कर्मचारियों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए वहाँ उनके नाश्ते की व्यवस्था की थी, रोज फ्रेश नाश्ता बन करके वहाँ पहुँचाना, पेशेंट की वृद्धि होने के बावजूद भी होटल में लगातार 2.5 महीने तक के लोटस क्लब के माध्यम से चलना, ऐसे अनेक कार्य हैं, उसमें कहीं आयुर्वेद काढ़े का वितरण, कहीं होम्योपैथिक दवाई का वितरण, ये सारे काम सतत चालू रहे, लेकिन ये काम चालू रहे लेकिन सोशल मीडिया पर हम लोग कभी इसलिए नहीं गए कि भाई किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ना चाहिए कि हमने उसको मदद की। लेकिन मुंडे जी पूरे 3 महीने सोशल मीडिया पर रहे, सोशल मीडिया का मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया को उन्होंने हायर करके रखा हुआ है, कंपनी उनका सोशल मीडिया दिखती है, और इन सारी चीज़ों के कारण मुंडे जी 3 महीने तक सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते रहे, विशेष करके नागपुर को उन्होंने टारगेट बना करके स्थापित किया। इसलिए एक भ्रम लोगों के मन में पैदा हो गया कि इस शहर में कोई काम कर रहा है तो केवल मुंडे कर रहे हैं और बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा है, कारण सोशल मीडिया पे केवल मुंडे जी थे और हम सब लोग मुंडे जी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और सारे अधिकार उनके पास है, इसलिए हस्तक्षेप क्यों करें, इसलिए उनको मदद करने का, उनको सहयोग करने का काम कर रहे थे। दुर्भाग्य से 2-3 घटनाएँ हो गई, पूरे देश में नागपुर शहर की बदनामी हुई। एक बदनामी हुई कि एक व्यक्ति ने मटन पार्टी किया, इसके कारण पूरा का पूरा बांग्लादेश जो है वो पॉजिटिव हो गया। दूसरी बदनामी यह हुई कि भाई सतरंजीपुरा में देश की सबसे बड़ी चैन निकली और उसको ढूंढने का काम माननीय मुंडे जी ने किया। इन दोनों चीज़ों से पूरा नागपुर, पूरे भारत में अखबारों में नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी आ गया, नेशनल चैनल ने बात बताया। तीसरी और एक बात हुई कि 5,000 बेड का हॉस्पिटल नागपुर शहर में बनाया, ये भी नेशनल मीडिया में आ गया। कोरोना का प्रभाव कम नहीं हो रहा था, लोकतंत्र के दृष्टि से महानगर पालिका की सभा लेना नितांत आवश्यक था, हमने सभा लेने के लिए मुंडे जी को पत्र दिया, मुंडे जी ने 12 जून को अनुमति दे दी। अनुमति देने के बाद उन्होंने नीचे एक लाइन लिख दी थी कि आप सभागृह में मीटिंग ले रहे हैं, राज्य सरकार ने इसको मना किया है, लेकिन आप 3 महीने बाद मीटिंग ले रहे हैं वो भी आवश्यक है, इसलिए मीटिंग लें, लेकिन शासन के निर्देशों का आप उल्लंघन कर रहे हैं ये समझ करके लिए हमने निर्णय लिया कि मीटिंग तो लेना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। तो हमारे जो 200 सदस्य थे, यानी महानगर पालिका के कर्मचारी और निर्वाचित 155 सदस्य, इनके बैठने के लिए 2000 सीटर सुरेश भट्ट सभागृह में व्यवस्था करें कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, वहाँ हमारी सभा के लिए उन्होंने अनुमति दे दी। 15 तारीख को सभागृह के लिए प्रश्न डाले गए, उन प्रश्न में कोरोना के विषय को लेकर के मुंडे जी को घेरने की कोशिश निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने की, उसमें मैं नहीं था, मैंने एक भी प्रश्न नहीं डाले थे, कारण मैं तो स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा करना चाहता हूँ। उन प्रश्नों को देख करके मुंडे जी ने सोचा कि भाई सभागृह हुआ तो मुझे तकलीफ हो जाएगी और मुंडे जी ने सभागृह नहीं हो सकता इस प्रकार का पत्र देकर के सभागृह रद्द होने के लिए कह दिया। हम सारे पक्ष के नेता एक साथ बैठे और बैठने के बाद निर्णय लिया कि नहीं, ये सभागृह तो होना चाहिए। सारे निर्णय पक्ष के नेताओं ने कहा कि सभागृह नितांत आवश्यक है,
हमने मुंबई में बात की, मुंबई में बताया कि भाई 4 अप्रैल को एक पत्र निकल गया है कि सभागृह लेना कि नहीं लेना या निर्णय महानगर पालिका ले। महानगर पालिका का मतलब होता है महानगर पालिका का सभागृह ले, सभागृह का मतलब होता है वहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधि ले। अब सारे निर्वाचित प्रतिनिधि एक साथ नहीं जा सकते, इसलिए उस पक्ष के गट नेताओं की बैठक बुला कर गट नेताओं की बैठक में हमने निर्णय लिया और मुंडे जी को पत्र दे दिया कि भाई इस पत्र के अनुरूप 4 दिन के शासन के निर्देश के अनुरूप हम लोग ये बैठक ले रहे हैं। अब मुंडे जी ने या तो हाँ बोलना था या तो ना बोलना था, उन्होंने उसमें भी कुछ नहीं कहा। 72 घंटे बाद माननीय महापौर जी ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके कहा कि मैंने आपको 72 घंटे से पत्र दिया है, आपने उसका कोई उत्तर नहीं दिया है। तो मुंडे जी कितने भी अच्छे अधिकारी हो लेकिन व्यक्ति करके वो अच्छे व्यक्ति नहीं है, ऐसा मुझे कहने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं है। एक अधिकारी को महापौर निवेदन कर रहा है कि मैंने 72 घंटे से आपको पत्र दिया, आपने उसका उत्तर नहीं दिया, तो आयुक्त के हैसियत से मुंडे जी पत्र लिखते हैं जो मीटिंग लेने का निर्णय आपने लिया है, मैंने नहीं लिया, इसलिए पत्र देने की जरूरत नहीं है। क्या लोकतंत्र और क्या लोकतंत्र का मजाक। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये तीनों को मिलाकर के लोकतंत्र बनता है और यही एक दूसरे से लड़ने होकर जाए तो लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ जाती है। वो काम मुंडे जी ने कर दिया। लेकिन देखिए प्रकृति को कुछ और मंजूर था। सुबह 12 बजे मुंडे जी ने ये कहा कि मैं आपको पत्र नहीं दे सकता और देने की आवश्यकता नहीं, और 2 बजे राज्य शासन ने निर्णय लिया और कहा कि ये सभागृह होगा और पत्र मुंडे जी को दिया कि सभागृह की व्यवस्था कीजिए। लोकतंत्र की जीत हो गई। राज्य में भले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है लेकिन लोकतंत्र की रक्षा में उन्होंने निर्णय लिया, इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया और सभागृह 20 तारीख को हो गया। सभागृह में हमने नहीं, शिवसेना की नगर सेविका ने स्थगन प्रस्ताव रखा। कांग्रेस के नगर सेवक जिसके विरोध में क्रिमिनल ऑफेंस दाखिल किया था मुंडे जी ने, उन्होंने स्थगन प्रस्ताव रखा। मीडिया ने हमसे पूछा कि आप उसको भगाने के लिए उनके विरोध में आप प्रस्ताव ला रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव। हमने कहा कि हम अधिकारी के साथ काम करने के इच्छुक हैं, भगाने के नहीं, इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे, स्पष्ट कहा हमने। आप कल्पना कीजिए कि हमने एक दिन पहले कह दिया हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे। स्थगन प्रस्ताव भी हमारा नहीं था लेकिन स्थगन प्रस्ताव सभागृह में आया तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। 5 दिन मैराथन सभा चली। उस मैराथन सभा के अंतिम 2 दिन में मुझे भाषण देना पड़ा। और भाषण क्यों देना पड़ा? मुंडे जी ने जो हिस्ट्री वहाँ की बनाई थी शतरंजी पूरा की, वो हिस्ट्री झूठी थी। जिस आदमी को ट्रेवल एजेंट बता करके वहाँ पर कोरोना आया ये स्थापित करने की कोशिश की थी वो कहानी गलत थी। बांग्लादेश में जिस व्यक्ति ने मटन पार्टी की, ऐसा मुंडे जी ने कहा, उस व्यक्ति के 16 परिवार के सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किचन चला करके 16 लोगों को घर में भोजन पहुँचाया जाता था। अब जिसके घर के 16 लोगों को एक कॉमन किचन से भोजन दिलाया जा रहा है वो मटन पार्टी अपने समाज के लिए करेगा, ये संभव है क्या? वो भी कहानी झूठी थी। अब इन कहानियों के आधार पर भ्रम फैलाना, और एक अखबार ने जिसका नाम महाराष्ट्र टाइम्स है, उसने अखबार में जिस दिन मुंडे जी की न्यूज़ नेशनल चैनल पर इंडिया टीवी में आई उसके दूसरे दिन वो वहाँ गया जहाँ 5000 बेड का हॉस्पिटल उन्होंने बताया था, वहाँ की फ़ोटो छापी। उस अखबार में फ्रंट पेज पर न्यूज़ छपी थी कि मुंडे झूठ बोल रहे हैं, वह हॉस्पिटल के कहीं भी दर्शन नहीं। ये तीनों बातें यह इंगित करती थी कि मुंडे जी नागपुर शहर की जनता के साथ मजाक करके अपनी TRP बढ़ाने के लिए गलत कहानियां कर रहे हैं, गलत स्टोरी रच करके स्क्रिप्ट राइटर के रूप में खुद को हीरो साबित करने के लिए। मैंने कानूनी आधिकारिक दस्तावेज के साथ सभागृह में ये स्थापित करने की कोशिश करी कि मुंडे जी किस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं। सारे दस्तावेज दिए मैंने जिन दस्तावेजों से परिलक्षित होता था कि यह गलत बोल रहे हैं। हाउस के एक दिन पहले मुंडे जी गए कि महानगर पालिका ने 500 बेड का दवाखाना बनाया, शहर के लिए उपलब्ध है, फोटो छाप दी। आज हम बैठे हैं, आज भी उस 5 दवाखाने शुरू नहीं हुए। 5 दवाखाने में से एक दवाखाना शुरू हुआ, मुझे वो दवाखाने का विजिट करने के लिए जाना पड़ा, कारण समिति ने मुझे तय किया। मैं जब वहाँ गया तो आप आश्चर्य का ठिकाना नहीं, कोरोना के पेशेंट की जांच करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट बैठी हुई है और एक डॉक्टर 24 घंटे एक डॉक्टर वहाँ रह सकती है क्या? संभव नहीं। लेकिन एक गायनेकोलॉजिस्ट जो कोरोना के पेशेंट का इलाज करेंगे, वहाँ ECG की मशीन है लेकिन ECG की रीडिंग करने के लिए वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। ECG को रीड कौन करेगा? रीड होने के बाद ECG खराब है तो उसकी दवाई कौन से करेगा? उसके लिए तो मेडिसिन वाला डॉक्टर लगेगा, लेकिन ये फिजिशियन की व्यवस्था नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि ऐसी स्थिति में अगर महानगर पालिका के दवाखाने हैं
कि 500 में से एक चालू हुआ और वहाँ पर भी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं, नर्स की व्यवस्था नहीं, सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं। अगर इस अवस्था में आप हॉस्पिटल शुरू करना चाह रहे हो और 4 में से केवल एक चालू हुआ, उसमें भी मैं जिस दिन गया उस दिन 7 पेशेंट थे, आप कल्पना कीजिए कि कब तक जनता को आप झूठ बनाते रहेंगे। मुंडे जी का सोशल मीडिया के द्वारा भ्रम फैला करके, एक जाल और माया जाल फैला करके नागपुर शहर की युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करके अपनी फैंस फॉलोइंग में लाने का जो प्रयास था, उसे तोड़ने के लिए मुझे 7 घंटे तक के मुंडे जी के काली कारगुजारी को उजागर करने के लिए सभागृह में भाषण देना पड़ा, जिसे तथ्यों के साथ मैंने उजागर किया। और आश्चर्य, ये 5 हॉस्पिटल मुंडे जी ने कहाँ बनाए? एक 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, उस 100 साल पुरानी बिल्डिंग को आप 50 लाख रुपए लगा करके हॉस्पिटल में तब्दील कर रहे हो। अरे 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी, उसको तोड़ देते तो 50 लाख में नई बिल्डिंग बन जाती, आप उसी में नई नई टाइल्स लगा करके आप उसको चमकाने की कोशिश कर रहे हो। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम हिंदी में मुहावरा है क्या? 100 साल पुरानी बिल्डिंग, 70 साल पुरानी बिल्डिंग, 56 साल पुरानी बिल्डिंग, इनको रिनोवेट करने की आवश्यकता थी? अरे नई इमारत बनाते एक ही जगह और 500 बेड का दवाखाना बना लेते नागपुर महानगर पालिका के लिए। जो 2.5 करोड़ रुपये आपने वहाँ खर्चा किया है, उस 2.5 करोड़ रुपये का कहीं ना कहीं सामंजस्य निकल जाता। मैंने सभागृह में कहा कि मुझे जानकारी ऐसी कि आपने जो टेंडर निकाले, टेंडर गलत है। ऑक्सीजन सप्लाई का टेंडर आपने निकाला, उस टेंडर में तारीख दी गई है कि टेंडर 12 तारीख को सबमिट होना चाहिए, 9 तारीख को हस्ताक्षर किए गए, 9 तारीख को प्रेस में जाना चाहिए था, लेकिन प्रेस में 11 तारीख को गया। इससे पता चलता है कि 12 तारीख को किसको टेंडर डलाना उनको जानकारी थी, अखबार में छपते बरोबर एक दिन में टेंडर डालना है 2.5 करोड़ का, तो कौन सा व्यक्ति डालेगा? ये निश्चितता, पूर्व निर्धारितता, इस दृष्टि से षड्यंत्र करके मुंडे जी ने उसको रोकने का काम किया। इतना ही नहीं है, वो टेंडर में दिल्ली की एक पार्टी आगे बढ़ते हुए नागपुर को लेकर टेंडर देखने के लिए गए तो टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार नहीं थे, विदाउट टेंडर डॉक्यूमेंट टेंडर सबमिट भी हो गए, कल्पना कीजिए। और दिल्ली के पार्टी ने टेंडर सबमिट कर दिया और इनका खेल बिगाड़ दिया। ऐसे स्थिति में उन्होंने क्या किया, नागपुर के एक कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि बाबा रे तू आ जा, उसने 10% डाला है, तू 7% डाल दे। मैंने सभागृह में कहा, सभागृह में, कि डॉक्टर घंटावार ने फ़ोन करके कॉन्ट्रैक्टर को बुला करके उसने 10% डाला है, इसलिए तुम 7% डाल दो, इस प्रकार से कहा है। और मैंने सभागृह में कहा कि डॉक्टर घंटावार की कॉल रिकॉर्डिंग चेक की जाए, 12 तारीख को उस कंपनी के आदमी को इसने फ़ोन किया था कि नहीं उसको चेक किया जाए, और अगर किया है तो उस पर कार्रवाई की जाए। दुर्भाग्य हो, दुर्भाग्य, सभागृह में जो होता है वो जनता देख नहीं पाती। मुंडे ने अपने उद्बोधन में बताया कि हम 24 घंटे का भी टेंडर निकाल सकते हैं और हम फ़ोन करके भी ठेकेदार को बुला सकते हैं, अर्थात मैंने जो आरोप लगाए थे वो सही साबित हुए। अब आप कल्पना कीजिए इस प्रकार से काम करना, खिलवाड़ करना लोगों के स्वास्थ्य के साथ और अपनी पीठ थपथपाना कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। एक छोटी सी घटना है, सतरंजीपुरा में एक व्यक्ति का देहांत हो गया, वो व्यक्ति को कोरोना था कि नहीं किसी को पता नहीं, उसकी कोरोना की जांच की गई। जैसे उसकी कोरोना की जांच की गई, 4 अप्रैल को वो एडमिट हुआ, 6 अप्रैल को उसकी रिपोर्ट आई, और 6 अप्रैल को रिपोर्ट आई, 5 अप्रैल को उसकी डेथ हो गई थी। तो इस 24 घंटे के कार्यकाल में उस व्यक्ति के घर में किसी ने नहीं जाना चाहिए, किसी ने नहीं मिलना चाहिए, ये जिम्मेदारी नागपुर महानगर पालिका की थी कि नहीं? महानगर पालिका उसके दरवाजे तक नहीं गई। वह 70 व्यक्तियों का परिवार था, सारे रिश्तेदार, सारे मोहल्ले के लोग उसके घर में मिलने के लिए गए, 24 घंटे मिलते रहे और 24 घंटे मिलते रहे, उन्हें मालूम नहीं था कि हम जिस घर में जा रहे हैं उस घर में कोरोना है। उसको रोकने की जिम्मेदारी महानगर पालिका की थी, महानगर पालिका पुलिस प्रशासन लगा करके उस घर से कोई नहीं मिले इसकी व्यवस्था कर सकता था, महानगर पालिका ने नहीं करी। और जब 24 घंटे बाद रिपोर्ट आई कि वो बंदा कोरोना पॉजिटिव है, तो महानगर पालिका के कान खड़े हो गए। 24 घंटे में उसके घर से जो 200-250 लोग मिल करके गए, वो अपने साथ कोरोना लेकर के गए होंगे। अब कोरोना के फैलाव का टीकरा महानगर पालिका पर अगर फूट जाता तो मुंडे बदनाम हो जाते। अपने बदनामी का कलंक मिटाने के लिए मुंडे ने झूठी कहानी रची और एक ट्रेवल एजेंट के माध्यम से यहाँ पर कोरोना आया इस प्रकार की कहानी रची, और जिस व्यक्ति का नाम उसमें उल्लेख किया गया वो कभी ट्रेवल एजेंसी नहीं चलाता था, ऐसे व्यक्ति के नाम का उल्लेख किया गया। ऐसी सारी कारगुजारी मैंने सभागृह के सामने रखी और महानगर पालिका की क्या भूमिका होनी चाहिए या उजागर करने की कोशिश करी। मुंडे से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मुंडे अधिकारी के रूप में आए हैं, उन्होंने काम करना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए। हम लोगों ने मुंडे जी के ऑफिस में ना जाते हुए भी 3 महीने तक सकारात्मक रूप से उनको मदद करने का काम किया, और सकारात्मक रूप से मदद करने के बावजूद भी वो सारे की सारी बातें मुंडे जी जिस प्रकार से स्वीकृत करना चाहिए थे नहीं कर सके।
मी तुकाराम मुंडे, मी तुकाराम मुंडे, मी तुकाराम मुंडे, जो कुछ कर रहा है मैं अकेले कर रहा हूँ, इसी प्रकार से उन्होंने स्थापित किया। अरे भाई, आपने बैरिकेड के डंडे लगा दिए, 24 घंटे पुलिस खड़ी थी, कभी उसका नाम ले लेते? अरे भाई, मृत्यु दर कम हो रही है, इसका श्रेय आप खुद ले रहे हो, आप डॉक्टर हो क्या? 24 घंटे 40-40 दिन अपने परिवार से दूर रह करके जो डॉक्टर पेशेंट की सेवा कर रहे हैं और उसके बाद अपने घर में आके 15 दिन क्वारंटीन हो रहे हैं, उनका नाम लेना चाहिए था, जीएमसी के डीन का नाम लेना चाहिए था, आईजीएमसी के डीन का नाम लेना चाहिए था, लेकिन किसी का नाम नहीं। मी केला, मी केला, मी केला, मी केला, मी मुंडे, मी मुंडे, मी तुकाराम मुंडे। अरे मैं ये बकरी करती है, बकरी इंसान का काम नहीं है ये करना। और ऐसा अगर कोई आयुक्त करता है और अपनी झूठी हुई ख्याति झूठे प्रचार के माध्यम से स्थापित करने की कोशिश करता है तो उसे जनता के सामने स्थापित करना नितांत आवश्यक था। इसलिए सभागृह में मुझे 7 घंटे भाषण देना पड़ा। उस 7 घंटे के भाषण में भी मैंने ये नहीं कहा कि मुंडे वापस जाओ, मैंने कहा मुंडे यहीं रहो, काम करो, काम करने का तरीका बदलो, प्रसिद्धि मत करो, हकीकत में काम करो, गलती सुधारो, जनप्रतिनिधियों को साथ में लो, जनप्रतिनिधियों को आपसे ज़्यादा नागपुर पता है इसलिए उनका सहयोग लो, आपके काम में कोई अड़ंगा नहीं डालेगा, सब आपको सहयोग करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ये सब मुंडे जी नहीं कर सके और अज्ञातवास में चले गए। और उनके कार्यकाल में क्या हुआ, जिस नागपुर में 25-50-100 पेशेंट निकलते थे उस नागपुर में आज 1000 और 1200 पेशेंट निकलने लगे। ये सारा का सारा तुकाराम की मुंडे की कार्यप्रणाली की त्रुटियों के कारण हुआ। कारण जब कोई बीमार नहीं था तो 2500 लोगों को क्वारंटीन सेंटर में डाला, आज लोग पॉजिटिव पड़े हैं और 6000 पॉजिटिव घर के अंदर पड़े हुए। कोई लक्षण नहीं थे और 2500 शासन के कमरों में पड़े थे और आज लक्षण वाले 6000 अपने घरों में पड़े हुए। जब लक्षण वाले पॉजिटिव पेशेंट महानगर पालिका के पास जगह होने के बावजूद अपने घरों में रखने की जिम्मेदारी तुकाराम मुंडे निर्धारित करेंगे, उसी दिन निश्चित हो जाएगा कि मुंडे की गलत निर्णय के कारण ये सारे के सारे कार्य हो रहे हैं। बाड़ा साहब थोरात महाराष्ट्र सरकार के रेवेन्यू मिनिस्टर है, वो नागपुर आए, उन्होंने एक मीटिंग ली, उस मीटिंग में एक रिपोर्ट दी गई, उस रिपोर्ट में मुंडे जी ने लिखा कि नागपुर शहर में 1260 बेड आज भी खाली है। 3 अगस्त की मीटिंग थी, उस दिन का शासन का मैंने रिज्यूम पढ़ा कि उन्होंने प्रेस को क्या क्लोज नोटिफिकेशन दिया, PDF। उस PDF में शासन ने लिखा था कि 967 लोग आज एडमिशन के लिए रास्ता देख रहे हैं। अरे भाई, 1260 बेड खाली थी तो 967 लोगों को रास्ता देखने की आवश्यकता क्या थी? लेकिन झूठ परोस दिया, 1260 बेड खाली है, इसका मतलब सर्व काही ठीक ठाक है, तुम्हारा काही करायची आवश्यकता नहीं, मला कोणाची मदताची आवश्यकता नहीं, मी स्वबळावर नागपूर सांभाळू शकतो, ये एस्टेब्लिश करने का काम मुंडे ने करने की कोशिश। क्यों गलत कहा? उनकी इस गलती का खामियाजा किसने भोगा? नागपुर ने भोगा, नागपुर के लोग मरे, नागपुर की जनता कोरोना से बाधित हुई। ये सारी गलतियां किसके कारण? मुंडे ने केवल अपनी वाहवाही पिटली लूटने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए इस प्रकार की गलत मीटिंग में सभी प्रस्तुत करें। बाड़ा साहब थोरात की मीटिंग में तो मैं आमंत्रित नहीं था, कारण मैं विधायक नहीं था। लेकिन माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ने नागपुर में एक बैठक ली महानगर पालिका में, उस बैठक में मैं मौजूद था। मुंडे जी का 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन होने के बाद में माननीय देवेंद्र जी ने एक सामान्य सा प्रश्न पूछा कि आपके कोविड केयर सेंटर में कितने लोगों के रखने की व्यवस्था है? मुंडे जी ने बड़े ताप से उत्तर दिया कि मेरे पास 10,000 लोगों के रखने की व्यवस्था है। अरे भाई, मैं वहीं बैठा हुआ था, मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं कि अगर 6000 लोग घर में क्वारंटीन हो रहे हैं और इनके पास में 10,000 लोगों के रखने की व्यवस्था है तो वहाँ क्यों नहीं रखते? मैंने निवेदन किया माननीय देवेंद्र जी, हमारे विरोधी पक्ष नेता है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे कि मुझे 2 शब्द कहने। देवेंद्र जी ने अनुमति दी। मैंने कहा कि आपको इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिखाया, इस प्रेजेंटेशन में तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा कि 10,000 लोग कोविड केयर सेंटर में। मुंडे जी से मैंने पूछा कि आप दिखाओ इसमें कहाँ लिखा है, बोले हाँ प्रेजेंटेशन जुना है, त्याच्यात ऐड व्हायचा आहे, नवीन प्रेझेंटेशनमध्ये मी 10,000 आकडा ॲड करणार आहे। म्हटलं साहेब, प्रेझेंटेशनमध्ये नसेल, कागदामध्ये असेल तर कागदच दाखवा। मुंडेजीने बताया की नाही, मेरे पास अभी कोई कागज नहीं है, ये मुझे कंठस्थ है। असू शकते कंठस्थ, रह सकता है कंठ। मैंने कहा कि ठीक है, कंठस्थ है तो उच्चारित कीजिए। उन्हें लगा कि ये चुप हो जाएगा। जब मैंने उच्चारित कीजिए कहा तो उनको पास तो नाम भी नहीं थे। उन्होंने एडिशनल कमिश्नर श्री राम जोशी से कहा कि आप बोलिए। श्री राम जोशी जी ने नाम गिनाने चालू किए। मैंने कहा नाम मत गिनाइए, किस सेंटर में कितने लोगों गिनाइए। जब उन्होंने नाम के साथ में संख्या गिनाना चालू किया तो दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि नागपुर शहर में 2800 से ज़्यादा लोगों के रखने की व्यवस्था नहीं थी। और मुंडे देवेंद्र जी फडणवीस के सामने भी 10,000 लोगों के रखने की व्यवस्था ऐसा झूठ परोस रहे थे। क्या आवश्यकता है झूठ परोस? क्यों गलती करते थे और झूठ परोस करके अपनी पीठ तो थपथपा लोगे तुम तो?
लेकिन नागपुर में जो लोग मर रहे हैं इसके लिए जिम्मेदारी किसके लोग है? आप जिन लोगों का आपने होम क्वारंटाइन करके रखा है, वहाँ 7-7 दिन तक के महानगर पालिका का डॉक्टर देखने के लिए नहीं जाता, उनकी कोई देख परख नहीं है, उनमें इन्फेक्शन बढ़ने के कारण जब बिगड़ी हुई स्थिति में हॉस्पिटल में एडमिट होते तो उनकी मृत्यु हो जाती है। घर से अच्छा भला गया व्यक्ति आधे घंटे में, 2 घंटे में, 6 घंटे में, 8 घंटे में, 12 घंटे में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये केवल इसलिए होता है कि जब हम GMC और IGMC के डॉक्टर से पूछते हैं तो उन्होंने कहा कि जब पेशेंट पूर्ण रूप से डिटोरेट हो गया था, खराब हो गया था, उसका ऑक्सीजन परसेंट 30 पे 40 पे इस स्थिति में आ गया था, 60 पे आ गया था, ऐसी स्थिति में हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं? तो मुंडे जी, आपने इसको क्वारंटाइन सेंटर में, कोविड केयर सेंटर में रखा रहता, इसकी रोज रेगुलर स्क्रीनिंग होते रहती तो शायद उसको मृत्यु नहीं होती। महानगर पालिका के कोविड केयर सेंटर में 2800 के कोविड केयर सेंटर में केवल 400 लोग रुके हुए, और मुंडे जी ने कहा कि मैंने 10,000 की व्यवस्था की है। एक MP लाइव में उन्होंने दिखाया कि 10,000 लोग हैं, 10,000 लोग के कागज दिखाया। मुंडे को कागज दिखा करके झूठ बोलने की आदत है। स्मार्ट सिटी के मामले में भी उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास कागज है जिसमें मुझे CEO का अधिकार दिया गया है, वो कागज झूठ है, ऐसा परदेशी जी ने स्वयं कहा जिनका नाम लेकर के उन्होंने कागज दिखाया। अभी मैं कागज लेकर के नहीं बैठा हूँ, वो कागज मेरे भी पास है। उस कागज में लिखा हुआ है कि एग्जिस्टिंग कोविड केयर सेंटर उसकी संख्या 2,800, प्रिपेयर्ड फॉर कोविड केयर सेंटर उसकी संख्या 4,800, और प्रपोज्ड कोविड केयर सेंटर ये टोटल संख्या कुल मिलाकर के होती है 8,000 समथिंग। मुंडे जी ने कागज दिखा कर कहा कि 8,000 माझ्या कड़े कागदामध्ये उपलब्ध आहे, 5,000 तिथे राधास्वामीमध्ये उपलब्ध आहे, राधास्वामीमध्ये शेडच नाही आहे, शेडच उडला, पावसाने पूर्ण गद्दे भिगले, आता कोविड केअर सेंटर कुठे आहे हो? मुंडे जी मत झूठ बोलो, झूठ बोल के जनता को मत फंसाओ। नागपुर के निरीह जनता ने आप पर बहुत विश्वास किया है, इस शहर के 155 नगर सेवकों ने भी विश्वास किया है। आप पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया सभागृह में, आप पर विश्वास व्यक्त करके काम करने के लिए कहा है। आप काम कीजिए, यही निवेदन करने के लिए मुझे 7 घंटे सभागृह में भाषण देना पड़ा, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि उतना भाषण देने के बावजूद मुंडे नहीं सुधरे। शायद झूठ ये उनके DNA में है, और झूठ का पुलिंदा मुंडे की कुंडली पर राहु के रूप में बैठा हुआ है, जो कहीं ना कहीं मुंडे के लिए, उनके आने वाले जीवन के लिए भी, अगर मुंडों ने अपना स्वभाव नहीं बदला तो मुंडे जी को अपने आने वाले जीवन में भी इसी प्रकार की तकलीफें होगी। और मैं तो बहुत अच्छा समझता था मुंडे जी को, यहाँ आने के बाद पता चला कि मुंडे जी क्या है। ईश्वर किसी भी अधिकारी को, किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को इस प्रकार की कुबुद्धि ना दे, ऐसी मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, और बुद्धि के देवता गणराया से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके प्रमाण में, उनके मानसिकता में जितनी भी कुबुद्धि है विघ्नहर्ता, उसे समाप्त कर ले, और आने वाले जीवन में उन्हें अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दे, ऐसी मैं अपेक्षा गणराया से करता हूँ। सर, आज आप अपना कीमती समय देके हमारे चैनल पे आए, हमारे प्रेक्षकों को गाइड किया, इसका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और आपके फ्यूचर लाइफ के लिए शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे भारत देश के सर्वश्रेष्ठ वक्ता श्री दयाशंकर तिवारी सर। ऐसे ही इंस्पायरिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।